सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे प्रियव्रत सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी खिलचीपुर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कांग्रेसियों ने नगर के बस स्टैंड से पैदल चलकर रघुपति राघव राजा राम के भजन कीर्तन मंडली के साथ सरकार व शिवराज को सद्बुद्धि देने के नारों के साथ ज्ञापन देने पहुँचे। देश में बढ़ रहे बेतहाशा पेट्रोल डीजल खाद्य तेल एवं रसोई गैस के बढ़ते दामों के चलते नागरिकों पर आर्थिक संकट का बोझ आन पड़ा है, जिससे नागरिकों को जीवन यापन करने की समस्या आन पड़ी है। इस अवसर पर पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह, राजगढ़ के विधायक बापू सिंह तंवर, पूर्व विधायक राम प्रसाद दांगी, ब्लॉक अली आदि कांग्रेस कार्यकर्ता लोग उपस्थित रहे। मुख्य रूप से किसानों की मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। आज किसान वर्ग पूर्ण रूप से परेशान और हताश हो गया है। अभी अभी ओलावृष्टि हुई है, जिससे रबी की फसल में बहुत नुकसान हुआ है। पर इस ओलावृष्टि से पहले खरीफ की फसल में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ था। हमने उस समय भी किसानों के मुआवजे की मांग उठाई थी, सर्वे भी हुआ, पर सरकार ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, और जिसकी हम घोर निंदा करने आए थे प्रशासन के सामने, SDM और तहसीलदार के सामने हमने निंदा करी मध्य प्रदेश सरकार की, कि जो हमारी मांग थी किसानों की वो उनने पूरी नहीं की। अब वर्तमान में जो मुद्दा है वो खाद बीज का है। खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, नए खाते सोसाइटियों में नहीं खोले जा रहे हैं, और किसान परेशान है। नए खातेदार बनने के लिए नए खाता खुलवाने जाते हैं, उनसे 1000 रुपया मांगा जाता है, और 1000 रुपया मांगने के बाद भी कोई उनके खाते की सुनवाई नहीं होती है। प्रशासन कहता है हमारे पास खाद है, पर किसानों तक वो खाद नहीं पहुंच रहा है। तो खाद जा कहाँ रहा है? उसको आसमान निकल जाता है कि धरती निकल जाती है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर आपके पास खाद है तो आप नए खातेदार क्यों नहीं बना रहे हैं, उनको खाद क्यों नहीं दे रहे हैं? 10 बोरी खाद किसी को आवश्यक है, तो ये खाद जाता कहाँ है? और ब्लैक मार्केटिंग में आराम से खाद मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है, राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पे मिल रहा है, ब्यावरा राजगढ़ में मिल रहा है, जीरापुर में मिल रहा है, खिलचीपुर में मिल रहा है। तो ये जो परिस्थिति है खाद की, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आज ये ज्ञापन दिया है। साथ साथ ही ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए हमने बात की है। खिलचीपुर के भोजपुर आरआई सर्कल में ओलावृष्टि हुई है, और भी PDS से जुड़े हुए मामले बापू सिंह जी बताएंगे आपको, PDS से जुड़े हुए मामले हैं, नगर के विकास कार्य से जुड़े हुए मामले हैं। कांग्रेस की सरकार में खिलचीपुर नगर में करोड़ों रुपए का विकास कार्य स्वीकृत हुआ, और वो आज बिल्कुल चींटी की गति से चल रहा है। अगर वो सही साठ समय पे चल जाता तो आज खिलचीपुर नगर में कई सारी विकास की सौगातें मिल चुकी होती, पाइपलाइन का काम है। राजगढ़ से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट।